उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर 2 साल का बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया था और वह मायके जा रही थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन से बालक चोरी हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन से 2 साल का एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर बने टिकट बुकिंग हॉल की है। बापुरा निवासी वैष्णवी नामक महिला का पति से झगड़ा हुआ और वह भोपाल जाने के लिए उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। महिला यहां पर 23 दिसंबर की रात को पहुंची, रात यहीं पर रुकी थी। 24 दिसंबर की सुबह बच्चे को दूध पिलाने के बाद दूध की बोतल धोने के लिए नल पर पहुंची। इस दौरान बच्चे को बेंच पर लिटाया गया। जब महिला लौटी तो बच्चा गायब था। घटना के एक दिन बाद थाना जीआरपी पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। जिला चिकित्सालय के रोगी कल्याण समिति सदस्य राजेश बोराना ने मामले को लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एक महिला हमको रोती बिलखती हुई यहाँ पर जब दिखी, हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा चोरी हुआ, मुझे पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब जाके हम जीआरपी थाने पे आकर और देवासगेट थाने हमारे जो एक सिपाही हैं अपने गोरेलाल जी, उनकी भी मदद ली, वहाँ पर टीआई से उनसे मदद लेकर यहाँ पर आए। और तब जाकर यहाँ पर हमने टीआई महाजन साहब हैं यहाँ पर जीआरपी थाने के, उनसे हमने बोला कि साहब आप इसकी रिपोर्ट कहीं क्यों नहीं लिखी जा रहा है। बोले इनका जो समय बता रहा है वीडियो फुटेज में नहीं आ रहा है। हमने टीआई साहब से बोला कि आप वीडियो फुटेज और एक घंटे आधा घंटे पहले से देखें। तब जाके उनने दबाव बना, हमने जब दबाव बनाया तो उनने वीडियो फुटेज दिखाया यहाँ पर, तो वो महिला एक बच्चा उस महिला का चोरी करते हुए ले जाते हुए दिखा। तब जाके पुलिस थाना प्रभारी से हमने बातचीत करके वो थाने पर रिपोर्ट दर्ज हुई और उस महिला को न्याय मिल पाया। हाँ, इसमें पूरी 23 तारीख को रात को जब यहाँ पर महिला सोई, वो सुबह 9:45, 24 तारीख की सुबह 9:45 पर यहाँ पर बच्चा उसका अपहरण हुआ और उसके बाद 25 तारीख को 12 बजे करीब रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस दौरान वो बच्चा लेकर कहाँ किस जगह गया, कितनी दूर गया, यदि पुलिस पहले सतर्क होती तो बच्चे मिल जाता और महिला को न्याय मिल पाता। आपका पूरा नाम है? एक की है जो की है या शंकर की रहने वाली बताई अपने को, और उसने 24 तारीख को आके बताया कि मेरा बच्चा मुसाफिर खाने में बुकिंग विंडो के पास से चोरी हो गया। मैंने उसका पीछा किया और वो जीने की तरफ से स्केटर की तरफ से जाके भाग गया। जब उसको उसी समय फुटेज दिखाए गए तो स्केटर तरफ भागना या इसकी उपस्थित होना सारे कैमरों में नहीं पाई गई। फिर जब उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई थी, तो उन्होंने बोला पति से झगड़ के आई थी, मेरे परे पति मुझे मारता है, मेरे उससे संबंध अच्छा नहीं है। उनका आपके पति का नंबर दे दो, हम उससे बात कर लेते हैं। तो क्या मामला कि मुझे पति पत्नी के बीच में नहीं है, शादी नहीं हुई है। जब उसने बताया था कि मेरा लिव रिलेशन है, मैंने कहा ठीक है आपके पति को बुलवाइए। तो बोले मेरे पास नंबर, तुम का पति को बुला लो आपके घर चलते। तो बोले नहीं, तो बोले मैं कल पति को लेके आऊँगी। तो जब दूसरे दिन आई तो वो हमसे कह रहे थे कि मुसाफिर खाने से जो स्केटर है जीना चढ़ना है उधर तरफ से जा रहे हैं। जब हमने उसको फुटेज 2 घंटे के दिखाया तो उसमें ना तो ये महिला नजर आती ना, वो अपने बच्चे को कहीं बताती कि ये बच्चा है। जब 24 को उसको दिखाया, फिर पुनः पूछा गया, बार बार गुमराह करती रही। जब 24 को हमने पूछा कि कहाँ से गई थी, जब उसको 2 बार डेमो किया गया कि ये कहाँ बैठी थी, कहाँ गई थी, तो वो संतोषजनक नहीं थी। फिर हमने उसको फुटेज दिखाया, जब बाहर देखा तो वो जो हमें जीने की तरफ बता रही थी इधर न होकर के वो अपने मुसाफिर खाने से वीआईपी गेट की तरफ जाते हुए दिखा, बच्चा दिखा एक आदमी, और बड़ा नॉर्मल वैसे आदमी भी लेके जा रहा है, उसके कंधे पे है बच्चा भी, ऐसा बिना तनाव का दिख रहा है वीडियो में। 12-13 मिनट तक उसका फुटेज दिख रहा है सस्पेक्टेड का, लेकिन वो भी बड़े आराम से जा रहा है। ये महिला ना तो उसके पीछे भागते हुए दिख रही है, ना चिल्लाते हुए दिख रही है। तो थोड़ा सा उसकी भूमिका पे या उसकी कई वगैरह बातों पे भी थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि कहीं कुछ डिस्प्यूट है। फिर भी हमने उसकी कायमी की तत्काल, और कायमी के बाद में सारे स्टेशन के फुटेज देखे गए, रोड के उस पार के फुटेज देखे गए, स्मार्ट सिटी के फुटेज देखे गए हैं, और कल कई 200-250 आदमियों से वो उसके फुटेज दिखा करके पूछताछ की जा रही है, पता रसी जा रही है। महिला के साथ अगर सामान्य सी चीज़ें कि कैमरे लगे हुए हैं, हमारे DSP महोदय और हम तत्काल उन DSP महोदय के चैम्बर में उससे चर्चाएं चल रही है, और अधिकारियों से हमारी चर्चा मतलब उससे बड़े उसके परिवार के। फिलहाल देखना होगा कि बच्चा चोरी की शिकायत में लापरवाही बरतने वाली GRP पुलिस आखिर बच्चे को कब तक ढूंढ पाती है।
उज्जैन से विमल बैंडवाल की।